वासुदेव, मैं अब तक आपको तनिक भी नहीं समझ पाई हूँ। क्या मैं इतना जटिल हूँ पांचाली? परंतु आप इतने सरल भी तो नहीं। जब मेरे पिताश्री ने मुझे अस्वीकार किया था, तब आपने ये सुनिश्चित किया कि वो पूरे सम्मान के साथ मुझे स्वीकारे। जब मेरा मन व्यतीत था, तब आपने उसे संतोष प्रदान किया, और अब मेरे स्वयंवर का उत्तरदायित्व आपने ले लिया। मैं समझ ही नहीं पा रही हूं कि आप हैं कौन। मुझे ज्ञात ही नहीं था कि मैं प्रश्नों का उत्तर देने में इतना असमर्थ हूं। मुझे लगा मैं तुम्हें बता चुका हूं कि मैं वासुदेव कृष्ण हूं। अब आप मेरे साथ ये नाम का खेल मत खेलिए। मैं आपका नाम नहीं, आपका परिचय जानना चाहती हूं। आपका सत्य क्या है? आप क्यों मेरी इतनी सहायता कर रहे हैं? और इस बार मुझे कोई पहेली नहीं, संतोषदायक उत्तर चाहिए। तुम्हारे इस प्रश्न के उत्तर में मैं तुम्हें एक मनोरंजक कथा सुना सकता हूं और एक नीरस उत्तर भी दे सकता हूं। अब चयन तुम्हारा है कि तुम क्या सुनना चाहती। तो पहले मैं नीरस उत्तर सुनना चाहूंगी। तो सुनो, मैं तुम्हारा सखा हूं, तुम मेरी सखी, और मित्रों को सदैव एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ हूं। और मनोरंजक कथा क्या है? कथा ये है, बहुत समय पहले मैंने एक स्वप्न देखा कि मैं और तुम पहले भी मिल चुके हैं सखी। इस लोक से, इस संसार से भिन्न एक संसार में, और वियोग से पहले हमने एक योजना बनाई थी कि हम फिर से मिलेंगे। मानवता और संसार को एक नई दिशा देने के लिए, सूर्य और किरण की भांति संसार को एक नए दिवस का प्रकाश देने के लिए। और अब तुम देख ही रही हो कि हम फिर से मिले, अपना वचन, अपना कर्तव्य, अपना मंतव्य पूर्ण करने के लिए। और ये केवल स्वप्न था, है ना? हाँ सखी, स्वप्न तो मात्र स्वप्न ही होता है। परंतु मेरा स्वप्न सदा नवीन सृष्टि का निर्माण करता है, और सृष्टि को नई दिशा देने का समय आने को है। अच्छा सखा, ये तो बताओ कि स्वयंवर की शर्त क्या होगी? आपने कहा था कि कुछ ऐसा होगा जो असाध्य प्रतीत होगा। हाँ, अधिकतर के लिए असंभव, परंतु कदाचित कोई एक ऐसा होगा जिसके लिए ये साध्य होगा। तो आपने कुछ ऐसी शर्त रखी है जिसे केवल अर्जुन ही पूर्ण कर सके, है ना? कदाचित ऐसा ही हो। अंधकार को सूर्य ही मिटा सकता है ना सखी? ना जाने क्यों, कभी कभी ऐसा लगता है कि कदाचित अर्जुन जीवित हो, और यदि वो जीवित हुआ तो वो इस स्वयंवर में प्रस्तुत होगा ना सका।
कदाचित ऐसा ही हो। यदि अर्जुन उन प्रत्याशियों के मध्य उपस्थित हुआ तो क्या होगा? यदि उसने स्वयंवर की शर्त पूरी कर दी तो कितना आनंद आएगा ना। कदाचित। ठीक है, हर प्रश्न के उत्तर में कदाचित मत दो मेरे प्रश्नों का उत्तर सखा। मैं जा रही हूँ, मैं स्वयं परीक्षण कर लूंगी कि आपके परीक्षण में कौन खरा उतरने वाला है। परीक्षण तो तुम्हें ही करना है सखी, परंतु निर्णय तुम मेरे बिना नहीं कर पाओगी। पांचाल नरेश हस्तिनापुर के युवराज का स्वागत करता है। आपके स्वागत में चुनौती है पांचाल नरेश, परंतु आपका स्वागत मैं स्वीकार करता हूं। आओ कर। की शर्त अभी तक रहस्य है मित्र। तुम देख रहे हो कि हर योद्धा अपने अपने कौशल का अभ्यास कर रहा है, क्योंकि कोई नहीं जानता कि वासुदेव ने क्या सोचा। यदि परीक्षण में गदा युद्ध, मेरी विजय तो निश्चित ही। पांच पत्र एक ही पंक्ति और एक ही बाण से सबको साधना है। आओ प्रयास करें। तुमसे तो एक भी लक्ष्य नहीं साधा गया प्रयागराज। तुम तो अपना धनुष ही उठा लो, वही पर्याप्त है काशी नरेश। हा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 
भोजन का समय हो गया है। सभी महानुभाव से निवेदन है कि आतिथ्य लेकर हमें कृतार्थ करें। अब अभ्यास भोजन के पश्चात करेंगे, चलो चलो मित्र। तुम चलो मित्र, मैं कुछ समय में आता। परीक्षण का उपक्रम संपन्न हुआ देवी, अब आप बाहर आ सकती हैं। ये राजभवन आप ही का है, फिर इस तरह छिपकर देखने का कोई विशेष कारण याज्ञ सैनी? आपने मुझे कैसे पहचान लिया? आपकी दृष्टि से पहचाना, वो दृष्टि जो यहाँ किसी को ढूंढ रही है। स्वयंवर में भाग लेने वालों के अभ्यास स्थल पर परीक्षण दृष्टि रखने वाली स्वयंवर आप पांचाली के अतिरिक्त और कौन हो सकती है? परंतु मेरी दृष्टि इतनी कुशल भी नहीं कि किसी को देखकर ही उसका परिचय ले ले। आपको अपना परिचय स्वयं देना होगा भद्र। मैं राधेकर। और आप स्वयंवर में भाग लेने नहीं आए? आपको कैसे पता? अब मेरी दृष्टि इतनी अकुशल भी नहीं कि स्वयं पर पड़ने वाली दृष्टि को समझ ना पाऊं। यदि आप कोई प्रत्याशी होते तो आपकी दृष्टि कुछ और ही होती। तो यज्ञ से राजकुमारी पांचाली चतुर भी है, ठीक अनुमान लगाया आपने। मैं यहां केवल अपने मित्र के साथ आया हूं। और मित्र कौन है? युवराज दुर्योधन। ये राजसी विद्याएं और निमंत्रण मेरे लिए नहीं है और ना ही मेरी इनमें रुचि है। मैं राजपुत्र नहीं, भुगत ग्राम का सूत पुत्र हूं। मनुष्य का जन्म महत्वपूर्ण नहीं, यदि कुछ महत्वपूर्ण है तो उसके कर्म शब्दों से अधिक श्रेष्ठ माध्यम है मनुष्य और उसकी योग्यता के परिचय का। शायद आपकी सोच ऐसी है तो आपका होने वाला वर योग्य होने के साथ साथ बहुत भाग्यशाली होगा। आपका कौशल क्या है राधे? अभी आप ही ने कहा था कि कौशल के परिचय के लिए कर्म शब्दों से अधिक श्रेष्ठ माध्यम है। बिना देखे आपने लक्ष्य संधान कैसे किया? मैंने संधान लक्ष्य देखकर ही किया।
आपके नेत्रों में देखकर। प्रणिपात राजकुमारी, कुछ एक प्रहर में तुम्हारे जीवन की नई यात्रा प्रारंभ होने वाली है सखी, परंतु तुम उद्विग्न हो, क्यों? क्योंकि सखा, आपसे मिलने से पूर्व मैं अपनी नियति को जानना चाहती थी, परंतु आपसे मिलने के पश्चात मुझे ये विश्वास हो गया कि जो नियति ने निश्चित किया वो अवश्य होगा। निसंदेह यदि मैं अर्जुन की भार्या बनने संसार में आई थी तो फिर मैं जीवित क्यों हूं? यदि अर्जुन ही जीवित नहीं। तुम्हारा प्रश्न उत्तम है सखी, परंतु उत्तर नियति के पास है, और तुम्हें क्या प्रतीत होता है? अर्जुन जीवित है? मस्तिष्क कहता है नहीं, और मेरा हृदय कहता है हाँ। कुछ अजीब सा है मेरे भीतर, एक अज्ञात आभास जो कह रहा है कि मैं अर्जुन से अवश्य मिलूंगी। कभी कभी अज्ञात ज्ञात से अधिक शक्तिशाली होता है पांचाली। कदाचित जो हमें अज्ञात हो नियति को वो ज्ञात हो, परंतु कभी कभी ज्ञात अज्ञात से अधिक महत्वपूर्ण होता है हमारा चयन। जैसे इस स्वयंवर में महत्वपूर्ण है तुम्हारा चयन। वाह वासुदेव, आपने मेरे स्वयंवर की शर्त रखी जिसे पूर्ण आकार देने वाला मेरा वर होगा, तो मेरा चयन तो स्वतः समाप्त हो गया ना? नहीं सखी, जो शर्त पूरी करेगा उसका वरण तुम कर सकती हो, परंतु ये तुम्हारा अधिकार है कि किस वर को तुम नहीं चुनती हो। हस्तिनापुर युवराज दुर्योधन गांधार नरेश शकुनी के साथ हार रहे हैं। अब प्रवेश कर रहे हैं भद्र नरेश शल्य। मगध नरेश जरासंध। यहां अतिथि है मगध नरेश, इस स्वयंवर के प्रत्याशी, और मैं यहां स्वागत करता हूं। अब आप पर निर्भर करता है कि आप अतिथि की भांति मिलना चाहते हैं या हमारे मिलन के इतिहास का 19वां अध्याय रचना चाहते हैं। मगध नरेश, स्वागत है आपका।